हेलो दोस्तों, आज हम इंस्टॉलेशन करने आए हैं जीपीएस महिंद्रा थार के अंदर। तो मैं अभी आपको इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का सब कुछ। इनसाइड है इसका, ये इसका डैशबोर्ड है, ये सब इसका डैशबोर्ड है। तो अभी हम पहले चाबी को ऑन करके देखेंगे। अभी इसके मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो भाई, थार आ चुका है इसमें लिखा हुआ। बाकी इसका एसी वगैरह सब कुछ है। तो अभी इसका पूरा सब कुछ ध्यान दे लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऑन है, क्या क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि हमें इंस्टॉलेशन डन करने के बाद भी देखना होता है कि सब कुछ सही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इंडिकेट कर रहा है कि गेट खुला हुआ है। तो इसकी वायरिंग जो भी है अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इसका डैशबोर्ड, ये हो गया। अब इसको हम ये यहाँ से इसके पेच वगैरह जो है खोल लेंगे। ये नीचे का पूरा इसका ओपन हो जाएगा, इंटीरियर जो भी है। ये ओपन होने के बाद उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। दिखाता हूँ आपको आगे की इंस्टॉलेशन करके। तो दोस्तों हमने अभी इसका नीचे का खोल लिया है हिस्सा। इसके ऊपर ये था, इसमें हमारे लॉक लगे होते हैं, कोई पेच नहीं होते। ये खोल लेंगे। और फिर हमने इसके सारे पेच खोल लिए हैं ऊपर से। इसके जो डैशबोर्ड के नीचे के जो थे, स्टेयरिंग के नीचे के बॉक्स के, हम इसे निकालेंगे तो ईजिली बाहर आ जाएगा। अभी पूरा का पूरा इसका जो है नीचे का सब कुछ वायरिंग वगैरह यहाँ पे है इसकी। इसकी वायरिंग जो हम यहाँ से करेंगे, ये इसका मेन प्लग है। अभी मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा टूल है, टूल की मदद से मैंने जो भी है कर लिया। अभी डिवाइस के अंदर हमारे लाइट आ चुकी है, क्योंकि स्विच ऑफ होने पर आ रही है, यानी हमारी पावर और अर्थिंग प्रॉपर लग चुकी है। अभी गाड़ी की जो है पावर की रेड वायर है ओनली, जो सिर्फ रेड है, ये पावर वायर है। वाइट वायर इग्निशन वायर है। और भी हमने अर्थिंग है यहाँ पे 12 नंबर का एक नट है, उसमें लगाई है। बारह नंबर के नट में हमने इसकी अर्थिंग लगाई है और ये पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हमने इसे प्लग को जैसे निकाला था वैसे ही से वापस लगा देंगे। हमारी लाइट आ रही है। अब गाड़ी को एक बार चाबी ऑन करके देख लेंगे। गाड़ी के मीटर में लाइट आ चुकी है। तो अब जो है हमारे कनेक्शन ओके हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वायरिंग मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं इसकी पैकिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन डन करके पैक करके। तो दोस्तों डिवाइस को भी हमने पैक कर दिया है इस पन्नी की मदद से, जिससे कि अभी पूरी तरह से वाटरप्रूफ टाइप का हो गया। अभी इसमें पानी नहीं जाएगा। पूरा डिवाइस हमारा पैक हो चुका है। तो अगर हम रिले से कनेक्शन करेंगे तो हमारी ये जो वाइट वायर है जिसमें हमने इग्निशन वायर लगाई है, इसको आउट कर लेंगे और इन आउट बना देंगे इसके अंदर। रिले से लगाएंगे, रिले की चार वायर होती है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। नहीं तो मेरी और वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं रिले के कनेक्शन। तो अब ये कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब मैं गाड़ी को जो है पैक कर देता हूँ। दोस्तों हमारा डिवाइस जो है पैक हो चुका है और इंस्टॉलेशन अब डन हो चुकी है। अच्छे से पैक कर देंगे। ये इसका स्काई साइड है, जो हमें आसमान की तरफ इसकी फेसिंग करनी है, नहीं तो इन्वर्टर में कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया चलेगा जीपीएस। और जो हमारे कनेक्शन वगैरह मैंने अच्छे तरीके से बांध दिए हैं, ठीक है। अब हम इसे वापस पैक कर देंगे जैसे हमने इसे खोला था पेच वगैरह के साथ। अभी पैक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमारी इंस्टॉलेशन जो है डन हो चुकी है। हमने इसे पूरा पैक कर दिया जैसे हमने इसे खोला था। ये सब में पूरे में लॉक है और कुछ नहीं है, इसमें कोई पेच नहीं है। और यहाँ पे एक अंदर पेच था, ये हमने लगा दिया है। और बाकी यहाँ पे एक पेच है, यहाँ पे एक पेच था। ये सब अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। और स्टीयरिंग के नीचे भी यहाँ अंदर भी पेच होंगे, यहाँ पे वो भी दो पेच हैं दोनों साइड, उन्हें भी लॉक कर देंगे। तो दोस्तों बताना आगे कैसी लगी आपको वीडियो महिंद्रा थार की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।